जम्मू कश्मीर में नई सरकार का गठन जल्द होने वाला है। इंडिया गठबंधन का 3 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल शुक्रवार को एलजी मनोज सिन्हा से मुलाकात करेगा और सरकार गठन का दावा पेश करेगा। शपथ ग्रहण समारोह 13 या 14 अक्टूबर को होने की उम्मीद है। उमर अब्दुल्ला मुख्यमंत्री होंगे। हालांकि राज्य सरकार में कोई डिप्टी सीएम नहीं होगा। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ मिलकर चुनाव लड़ी कांग्रेस को डिप्टी स्पीकर का पद मिल सकता है। कांग्रेस की ओर से डूरू सीट से विधायक जीए मीर या प्रदेश अध्यक्ष और सेंट्रल शॉलटेंग के विधायक तारिक हमीद कर्रा में किसी एक को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिल सकता है। सरकार गठन के लिए श्रीनगर में नेशनल कॉन्फ्रेंस मुख्यालय पर आज विधायकों की बड़ी बैठक हो रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला भी शामिल हुए। जम्मू कश्मीर से आर्टिकल 370 हटने के बाद हुए विधानसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन ने 49 सीटों पर जीत दर्ज की। गठबंधन में शामिल नेशनल कॉन्फ्रेंस को सबसे ज्यादा 42, कांग्रेस को 6 और सीपीआईएम को 1 सीट मिली। बहुमत का आंकड़ा 46 है।